Okay, hello friends. Today we discuss about the inheritance of two gene. The inheritance of two genes का experiment हम देखने वाले हैं, जो Gregor John Mendel ने perform किया था. Earlier we discuss about the single character inheritance experiment, monohybrid experiment. In that, Mendel selected only one character, height of plant. Whereas in this dihybrid cross experiment, at the same time, Mendel selected two character in pea plant, Pisum sativa. In that, Mendel selected two different character. First one is color of seed. There is a two contradictory character in color of seed. One is yellow and another one is green. Here, yellow character is dominant over the green color of seed. So here we selected capital Y for yellow color of seed and small y for green color of seed. At the same time, Mendel also selected another character, shape of seed. Here also two contradictory character, round and wrinkled shape of seed. Here a round shape of seed which are dominant over the wrinkled shape of seed. So for round we selecting capital R and for wrinkle we selecting small r. As a parental generation, Mendel ne jo select kiya tha round and yellow color of seed in Pisum sativum, and another one is green and wrinkle shape of seed. The first plant, jo first plant hai jiske paas dono dominant character hai, और दूसरा जो प्लांट है Pisum sativum का, उसके पास दोनों रिसेसिव कैरेक्टर है. तो जो पेरेंटल प्लांट जो है Pisum sativum, जो गैमेट फॉर्मेशन करेगा वो एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा स्मॉल आर स्मॉल वाई. व्हेन क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दिस पेरेंटल जनरेशन इन F1 प्रोजेनी, मेंडल ऑब्टेन जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर capital Y, small y. And their phenotypic result, a round shape of seed and yellow color of seed. In F1 generation, Mendel obtained similar result of monohybrid experiment. Yani kya? Yani dono jo result jo aa raha hai F1 generation mein, dono character dominant hai. Aur single character experiment mein bhi kya mila tha F1 generation mein, sare plant tall the. यानी डोमिनेंट कैरेक्टर ही हमें देखने को मिला था. जब F1 जनरेशन के जो प्लांट जो थे उनके बीच में जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया, देयर इज अ फोर डिफरेंट पॉसिबिलिटी फॉर गैमेट फॉर्मेशन. जैसे कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आएगा, तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई. कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आएगा, तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई. स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आएगा, तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आएगा. तो जब ये फोर पॉसिबिलिटी है फीमेल गैमेट्स की, इसी तरह फोर पॉसिबिलिटी है मेल गैमेट्स की. व्हेन सेल्फ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म बिटवीन F1 जनरेशन प्लांट, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? जैसे हम यहां पर देख सकते हैं, ये पुनेट स्क्वायर फॉर्म किया गया है. तो इसमें जब गैमिट्स के बीच क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यानी हमने इजीली क्रॉसिंग ओवर किया है. इसी तरह हम इसमें देखेंगे, इसे हम कांस्टेंट रखेंगे तो कैपिटल आर उसी तरह यहां से स्मॉल आर, यहां से कैपिटल वाई, यहां से कैपिटल वाई. इसी तरह यहां पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये सब जीनोटिपिक रिजल्ट है. उसका फिनोटिपिक रिजल्ट क्या मिलेगा? जैसे कैपिटल आर यानी क्या है? राउंड. और कैपिटल वाई यानी क्या है? येलो कलर ऑफ सी. तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? राउंड एंड येलो कलर ऑफ सी. सिमिलर राउंड एंड येलो कलर ऑफ सी. इसमें भी सेम, इसमें भी सेम. यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों है, लेकिन कैपिटल आर डोमिनेंट ओवर दी स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई डोमिनेंट ओवर दी स्मॉल आर. तो ये रिसेसिव जीन अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इसीलिए यहां पे रिजल्ट क्या मिला? कैपिटल आर की वजह से राउंड शेप ऑफ सी एंड कैपिटल वाई की वजह से येलो कलर ऑफ सी.
बाद में हम जैसे यहां पे देखते हैं तो स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल y कैपिटल y कैपिटल y कैपिटल y यहां पे दोनों स्मॉल r है तो स्मॉल r की वजह से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा रिंकल शेप ऑफ सी और कैपिटल y तो है ऑब्वियसली येलो कलर ऑफ सी हमने यहां पे ब्लैक कलर के मार्कर को कोड किया है फॉर येलो कलर एंड रेड कलर की मार्कर को कोड किया है फॉर ग्रीन कलर इसी तरह हम यहां पे अगर देखेंगे रिजल्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई तो कैपिटल आर है दोनों डोमिनेंट जीन है तो राउंड शेप ऑफ सी बट दोनों स्मॉल वाई है रिसेसिव जीन है तो स्मॉल वाई कोड फॉर ग्रीन कलर सो यहां पे रिजल्ट क्या मिलेगा ग्रीन एंड राउंड शेप ऑफ सी इसी तरह हम लास्ट में देखेंगे यहां पे जैसे स्मॉल आर स्मॉल वाई सारे रिसेसिव जीन है तो सारे रिसेसिव कैरेक्टर मिलेंगे हमें स्मॉल आर यानी रिंकल शेप ऑफ सी स्मॉल वाई यानी ग्रीन कलर ऑफ सी यानी रिंकल एंड ग्रीन कलर ऑफ सी तो ये सारे जीनोटिपिक रेशियो मिले जीनोटिपिक रिजल्ट है उसके बेसिस पे फिनोटिपिक रिजल्ट क्या मिला 9:3:1 राउंड एंड येलो कलर ऑफ सी 3 राउंड एंड ग्रीन कलर ऑफ सी 3 रिंकल एंड येलो कलर ऑफ सी एंड 1 रिंकल एंड ग्रीन कलर ऑफ सी जैसे 9 राउंड एंड येलो तो राउंड एंड येलो देखें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसी तरह हम राउंड एंड ग्रीन देखें तो राउंड एंड ग्रीन 1 2 एंड 3 इसी तरह रिंकल एंड येलो तो रिंकल एंड येलो हम देखेंगे तो सॉरी राउंड और ग्रीन हम देखेंगे तो राउंड और ग्रीन ये रहा 1 2 3 और रिंकल और येलो के लिए 1 2 3 और रिंकल और ग्रीन के लिए ये रहा रिंकल एंड ग्रीन इसी रिजल्ट को हम जब मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे यहां पे जैसे हम एक ही कैरेक्टर को अभी कंसिडर करते हैं ओनली वन कैरेक्टर जैसे शेप ऑफ सी तो राउंड सीड कितने मिले हमें 9+3 यानी 12 और रिंकल सीड कितने मिले 3+1 यानी 4 यानी 12:4 तो 12:4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 3:1 विच आर सिमिलर रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट इसी तरह हमने अगर कलर को कोड किया यहां पे एक ही कैरेक्टर को कंसिडर कर यानी ओनली कलर ऑफ सी तो येलो कलर के सीड कितने हैं 9+3 12 और ग्रीन कलर के सीड 3+1 यानी 4 वो भी सेम 12:4 यानी 3:1 जब हम सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में तब भी हमें सिमिलर रिजल्ट मिल रहा है 3:1 यानी ये एक्सपेरिमेंट पे भी जो मेंडल ने जो लॉ दिए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ असॉर्टमेंट वो सही पुरवार हो रहे हैं इसी तरह हम देखेंगे ये एक्सपेरिमेंट पे से मेंडल ने जो तीसरा जो लॉ दिया था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या दिखाता है क्या है कि व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइन इन हाइब्रिड तो यहां पे हमने टू कैरेक्टर को कंबाइन किया है जैसे कलर ऑफ सीड और शेप ऑफ सीड तो लॉ क्या था व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइन इन हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर यानी एक कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर दोनों कैरेक्टर के जीन एक दूसरे से सेग्रीगेट है यानी फ्री है सेग्रीगेशन अगर सेग्रीगेशन नहीं होता तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए जहां पे भी हमें राउंड शेप मिलेगा वहां पे क्या मिलेगा येलो कलर मिलेगा और जहां पे भी रिंकल शेप मिलेगा वहां पे क्या मिलेगा ग्रीन कलर हमें मिलना चाहिए यानी रिजल्ट हमें दो तरह के ही मिलने चाहिए राउंड और येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन बट यहां पे हमें 4 डिफरेंट तरह का रिजल्ट मिला है जैसे ये दो रिजल्ट कैसे हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट दिस टू आर न्यू टाइप न्यू वेराइटीज फॉर्म तो लॉ जो कहने जा रहा है के
ये जो कैरेक्टर जो है के दोनों कलर ऑफ सीड और शेप ऑफ सीड बोथ कैरेक्टर आर सेग्रीगेट और इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट, यानी इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होंगे। इसीलिए हमें येलो के साथ राउंड भी मिलेगा, येलो के साथ रिंकल भी मिलेगा, इसी तरह ग्रीन के साथ भी हमें राउंड मिलेगा और ग्रीन के साथ रिंकल भी मिलेगा।